राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने तंज कस दिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ इतिहास में पीएचडी हैं। अभी तो उन्होंने हनुमान जी को दलित बनाया है, चुनाव खत्म होने तक रावण को मुसलमान भी बना देंगे। योगी के बयान के बहाने आजम ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। आजम ने कहा बीजेपी नेता पहले सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बता चुके हैं, अब योगी ने हनुमान को दलित बताया है। समझ नहीं आता उनके बयान पर हंसे या रोए। चुनाव करीब है, काम कुछ किया नहीं है, नौकरी नहीं दी, कर्ज माफी नहीं की, इन्हें तो पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। उधर राजस्थान में भी योगी का विरोध तेज हो गया है। पार्टी के कुछ विधायकों साधु संतों के साथ अब कई संगठन भी विरोध में उतर आए हैं। योगी की सद्बुद्धि के लिए जयपुर के सभी हनुमान मंदिरों में प्रार्थना की जा रही है। वहीं लोगों ने भी राजनीतिक लाभ के लिए भगवानों पर विवादित टिप्पणी का विरोध किया है। अब आजम खान ने भी योगी को निशाने पर ले लिया। अब देखना होगा योगी कब तक अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।